हेलो गाइस, बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्वरागिनी शो के बारे में। आप लोगों को पता होगा स्वरागिनी शो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। 2 साल तक ये शो लगातार ऑन एयर रहा था। कलर्स टीवी का नंबर 1 शो रहा है ये शो, जो कि रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के तहत रिलीज़ किया गया था। सो यहाँ बात करने वाले हैं आप लोगों को, यहाँ पर स्वरा और रागिनी की जोड़ी नज़र आई थी। रागिनी का कैरेक्टर तेजस्वी प्रकाश ने प्ले किया था और यहाँ पर स्वरा के कैरेक्टर में आपको हिली शाह नज़र आई थी। दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। रागिनी और लक्ष्य की जोड़ी अलग तरीके से फेमस थी, वहीं पर स्वरा और सुशन यानी संस्कार की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिस तरीके से सीज़न 2 को लेकर खबर सामने आई है कि कलर्स टीवी अपने पॉपुलर शो के सीज़न 2 लेकर आने वाला है बहुत ही जल्द। सो क्या वही जोड़ी होने वाली है सीज़न 2 में जो कि आपको सीज़न 1 में नज़र आई थी? क्या यहाँ पर एक बार फिर से लक्ष्य के कैरेक्टर में नमित तनेजा देखने को मिलेंगे, यानी रागिनी और लक्ष्य की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी? एक बार फिर से स्वरा और संस्कार देखने को मिलेंगे? अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल जो बातें सामने आ रही हैं वो यही कि यहाँ पर आपको एक नई स्टारकास्ट देखने को मिल सकती है। सो इन बातों में कितनी सच्चाई है आपको आगे चलकर पता ही चल जाएगा। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं कि रिप्लेसमेंट के पूरे पूरे चांसेस हैं, आपको न्यू स्टार कास्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इस शो के अंदर। सो यहाँ पर वो जो न्यू स्टार कास्ट आएगी वो नए चेहरे होंगे या फिर जाने माने चेहरे होंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ पर एरिका फर्नांडिस को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर कहीं खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि वो बहनों की जोड़ी में नज़र आने वाली हैं। श्रुति झा के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, तो कहीं सनाया रानी के साथ भी उनको लेकर खबरें सामने आ रही हैं। सो ऐसे में क्या स्वरा और रागिनी के कैरेक्टर में इस तरीके से ये जोड़ी नज़र आने वाली है या फिर अदर स्टार कास्ट होगी? जो भी होगा पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं, अगर यही जोड़ी नज़र आती है तो क्या कुछ आपका इन सब बातों पर कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीज़न 1 को कितना ज़्यादा मिस करेंगे अगर सीज़न 2 में वो स्टार कास्ट नज़र नहीं आती है तो? वैसे सीज़न 2 में वो स्टार कास्ट नज़र आने के काफ़ी कम चांसेस हैं, क्योंकि तेजस्वी की बात करें तो फिलहाल वो नागिन शो में नज़र आ रही है और नागिन शो ऑफर जाता भी है, तो उनके पास अदर प्रोजेक्ट्स के ऑफर, कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऑफर गए हुए हैं। तो ऐसे में शायद ही वो इतनी जल्दी डेली शो साइन करें। तो कमेंट करके एक सेगमेंट बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।